यो गाइस, मेरा नाम त्रिकोण नहीं है। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एक मूवी का सजेशन जिसको मैंने सिर्फ एक ही मकसद की वजह से देखा था। हर बार ही मोटिवेशन गंदा नहीं होता। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ट्रायंगल ऑफ सैडनेस मूवी के बारे में, जो कि पिछले साल ही रिलीज हुई है और इस साल के ऑस्कर में बेस्ट मूवी में वो नॉमिनेट हुई है। अब कोई मूवी ऑस्कर्स में बेस्ट पिक्चर के लिए नॉमिनेट हुई है तो उस मूवी में कुछ तो बात होगी, और वही कारण की वजह से मैंने उसको देखा है। अब ये मूवी की स्टोरी ना तीन पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें पहले आधे घंटे में एक पार्ट दिखाएंगे और बाकी के एक एक घंटे के दोनों पार्ट दिखाएंगे। जिसमें पहले पार्ट में ना एक क्ले और याया नाम का कपल होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर होता है और दोनों के दोनों ना सुपर मॉडल होते हैं। अब ये दो कैरेक्टर का ना हमें इंट्रोडक्शन कराया जाता है, और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन और जो कपल के जो बीच के झगड़े होते हैं ना, वो बेसिकली हमको पहले आधे घंटे में दिखाए जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में दिखाते हैं कि क्ले और याया और उनके साथ और भी बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं ना मूवी के अंदर, वो एक क्रूज शिप के अंदर जाते हैं वैकेशन मनाने के लिए। फिर ये सारे कैरेक्टर जब क्रूज शिप के अंदर आ जाते हैं ना, तो उसके बाद मूवी जो टर्न लेती है ना, यानी इतनी ज्यादा बकचोदी होती है ना उसके बाद मूवी के अंदर, कि आप सही में सोच नहीं सकते, आपकी सोच खत्म हो जाएगी। ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने मूवी के अंदर दिखाई है वो क्रूज शिप के अंदर। मतलब जब आप ये पार्ट देखोगे, सिर्फ एक घंटे का यही पार्ट देखोगे ना, तो उसके बाद से आपका क्रूज शिप के ऊपर से मन उठ जाएगा। आप बोलोगे कि इससे अच्छा ना जाना बेटर है। इसके बाद ये पार्ट के एंड होते होते ना, ये क्रूज शिप के ऊपर ना टेररिस्ट का अटैक हो जाता है। उसके बाद तीसरे पार्ट की शुरुआत होती है, जिसमें ना जो मूवी के जो मेन कैरेक्टर थे ना, वो जैसे ना तैसे टेररिस्ट से बच के ना एक टापू के ऊपर पहुंच जाते हैं, यानी आइलैंड पे वो लोग आ जाते हैं। ये जितने भी लोग बचे होते हैं उसमें से ज्यादातर लोग ना अमीर होते हैं, यानी एकदम ऐसे वाले लोग होते हैं जो कि दिन में पानी से ज्यादा दारू पीते। तो वो एक प्राइवेट आइलैंड में अकेले कैसे सर्वाइव करेंगे, वही मूवी का जो तीसरे पार्ट का प्लॉट है। जो पार्ट है ना, वो पर्सनली मेरे को सबसे ज्यादा बेस्ट लगा, और इसमें भी सेकंड पार्ट की तरह उतनी ही बकचोदी और अनएक्सपेक्टेड वाली चीजें होती है जो कि आप सही में नहीं सोच पाओगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ना, एक एबिगेल नाम की औरत होती है जिसको ना खाना बनाना आता है, मछली पकड़ना आता है और आग जलाना आता है। अब जो एबिगेल होती है ना, वो गरीब होती है, यानी वो क्रूज शिप में ना टॉयलेट क्लीन करने का ही काम करने वाली होती है। तो वो एक ऐसी औरत कैसे इन अमीर लोगों को अपनी उंगलियों के नीचे नचाती है, वो पार्ट देखने में भी भाई काफी मजा आती है। मतलब एबिगेल उनको खाना देने के बदले उनसे क्या क्या चीजें मांगती है ना यार। देखो यार तुम मूवी। तो बस वीडियो की यही समाप्ति करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने अमीर दोस्तों को। तो अगर आपने अभी तक ट्रायंगल ऑफ सैडनेस मूवी नहीं देखी है तो यार एक बार ही चेकआउट करो, सच्ची कह रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगी। और देखने के बाद बताना कि क्या ये मूवी ऑस्कर डिजर्व करती है। मेरे को लगता तो है देखने के बाद कि हाँ भाई, मूवी इतनी अच्छी तो थी कि अगर इसको ऑस्कर मिला तो अफसोस नहीं होगा। बाकी इसी तरह की अमीर लोगों के ऊपर अगर आपको कोई सीरीज़ देखनी है जिसमें अडल्ट चीज़ें हो और अमीर लोगों की प्रॉब्लम्स हो, तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। मैं इसी तरह के मूवीज़ और सीरीज़ के ऊपर रिव्यू वीडियो और सजेशन वीडियो डालता रहता हूँ, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना आगे के वीडियो देखने के लिए। तब तक मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my